एक नई जिंदगी प्रोग्राम में आज हम देखेंगे कि अस्पताल में भर्ती एक इंसान को क्या जीवन की दिशा मिलेगी। बुरी लत ने एक स्टूडेंट की पढ़ाई बर्बाद कर दी, क्या वो सही दिशा पर चल पाएगा। क्विज में शामिल होंगे, करेंगे आपके लिए प्रार्थना और सुनेंगे एक गीत। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, एक नई जिंदगी के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है और हम आशा करते हैं कि आज के प्रोग्राम से आपको बहुत प्रेरणा मिलेगी। आज हम आपको मिलाएंगे एक ऐसे इंसान से जिनसे मिलकर आपको बहुत प्रेरणा मिलेगी, जोशुआ लाल से। जोशुआ लाल का जन्म एक क्रिश्चियन परिवार में हुआ, लेकिन परमेश्वर के साथ उनका रिश्ता गहरा नहीं था। एक एक्सीडेंट के बाद जब उन्होंने अपने आप को अस्पताल में पाया तो उन्होंने जीवन के बारे में सोचना शुरू किया। इस सोच विचार के बाद उन्होंने परमेश्वर की राह पर चलने का निर्णय लिया। आइए देखते हैं इनकी कहानी और इससे प्रेरणा पाते हैं। ये प्रस्तुति आपके लिए लेकर आए हैं हमारे प्रोड्यूसर अभिनय दिल्ली से। परमेश्वर के वचन में लिखा है यूहन्ना उसका पहला अध्याय उसकी 12वीं आयत में, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसे उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। मैं मसीह परिवार में जन्म लिया, लेकिन वो सिर्फ एक ऐसा था कि परमेश्वर से अपना जो रिश्ता था वो मेरा नहीं था। पहले मेरी जिंदगी जो थी, तो मेरा जीवन था, वो मेरा बिना एक रिलेशनशिप के था। वास्तवता में हमने कभी दिल से प्रार्थना नहीं करी, पर परमेश्वर का अनुग्रह मेरे पे था और परमेश्वर ने मुझे संभाल के रखा। मेरे को मौत के मुंह से निकाला जब मैं 12th में था और मैं स्कूटर से जा रहा था। जब स्कूटर स्लिप होने की वजह से मेरे हेड इंजरी आई, कॉलर बोन फ्रैक्चर और वेरियस इंजरीज थी मेरे बॉडी पे, और उस इंजरी ने मुझे अनकॉन्शियस मेरे को हॉस्पिटल में पहुँचाया। और वो बात है कि हॉस्पिटल में जब मेरे को होश आया तो मेरा सबसे पहले एकदम से सवाल आया, आज मैं अगर मर जाता तो क्या मैं परमेश्वर के पास जाता। ये बात मेरे दिल में एक बहुत लग गई और मैंने उसी समय अपना परमेश्वर को दिल से अपना उद्धारकर्ता माना। उस दिन से जो प्रार्थना थी मेरी बदल गई। वो एक एक वर्ड परमेश्वर से जब प्रार्थना करता हूँ, वो एक एक वर्ड मेरे दिल के अंदर से उसे पुकार रहा था। मेरे को मालूम हुआ कि अब जब मेरा जो रिश्ता जब मिल गया है, वो चेंज मेरे लाइफ में बहुत महत्वपूर्ण रहा। ये जान लिया मैंने कि परमेश्वर की कॉलिंग मेरी जवानों के बीच में है और उनको मैं सलाह देने लगा, प्रार्थना करने लगा उनके साथ। मैंने बहुत से जवानों को के बीच में प्रभु यीशु मसीह के वचन को बताया, प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के बारे में, उसके प्रेम के बारे में उनको बताया। उनके परिवार आशीष पाए और परमेश्वर ने उनके जीवन में बहुत बड़ा कार्य किया। जब तक हम जीवित हैं तभी हम उसकी महिमा कर सकते हैं, तभी हम उसके उद्धार के बारे में हम बता सकते हैं। उन जवानों को एनकरेज करता हूँ कि आप दूसरों को भी वो शांति पहुँचाओ। प्रभु यीशु मसीह के काम करना जो है वो बहुत बड़ा एक सौभाग्य है। हम आशा करते हैं कि जोशुआ लाल से मिलकर आपको अपने जीवन के लिए बहुत प्रेरणा मिली होगी। अभी आपने देखा कि कैसे जोशुआ लाल अब परमेश्वर की राह पर चल पड़े हैं। वो परमेश्वर के बारे में लोगों को परिचित करा रहे हैं, उनके प्रेम को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। जोशुआ लाल को अपने जीवन की सही राह ढूंढने में परमेश्वर ने मदद की। क्या अजीत मोंडल भी अपने जीवन की सही राह को तलाश कर पाएंगे? अजीत मोंडल टीचर बनना चाहते थे, लेकिन बुरी आदतों के कारण वो अपनी दिशा से भटक गए। अब सवाल ये उठता है कि क्या अजीत वापस टीचर बन पाएंगे? क्या वो अपना सपना पूरा कर पाएंगे? आइए हम इनकी कहानी को देखते हैं जो हमारे प्रोड्यूसर ग्लेन डिसिल्वा लेकर आए हैं कोलकाता से।
इसे ध्यान से देखिए, शायद आपकी जिंदगी में दिशा लाने के लिए ये कहानी मदद करे। मैं पढ़ने में बहुत अच्छा था और मेरे स्कूल के टीचर मुझसे बहुत प्यार करते थे, क्योंकि मैं हमेशा फर्स्ट, सेकंड या थर्ड आता था। मेरे टीचर मेरा मार्गदर्शन करते थे और मुझसे बहुत प्यार करते थे। उनके जीवन के सफर को देखकर मैं भी बिल्कुल उनकी तरह बनना चाहता था, क्योंकि मैं उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित था। अजीत मोंडल के लिए पढ़ाई इतनी ज्यादा अहम थी कि वो कई बार रविवार को चर्च भी नहीं जाता था। चर्च जाने के कारण मेरे 2-3 घंटे चर्च में ही गुजर जाते थे। मेरे लिए ये समय को व्यर्थ गंवाना था। मैं सोचता था कि यदि यही समय मैं पढ़ाई में बिताऊंगा तो मेरा जीवन बेहतर होगा और मैं एक अच्छे मुकाम पर पहुंच सकता हूं। लेकिन अजीत जब जवान हो गया तो उसकी प्राथमिकताएं बदल गईं। अब पढ़ाई की बजाय दोस्त उसके लिए अहम थे। जब मैं अपने दोस्तों के साथ घूमता फिरता तो वो मुझे सिगरेट पीने के लिए उत्साहित करते। शुरू शुरू में जब मैंने सिगरेट पीने से इनकार किया तो वो मेरा मजाक उड़ाते। हालांकि मैं सिगरेट पीने से उन्हें मना कर देता, लेकिन उनके साथ दोस्ती बनाए रखने के लिए मैंने सिगरेट पीना शुरू कर दिया और धीरे धीरे मुझे भी उनकी तरह सिगरेट पीने की आदत पड़ गई। जल्द ही अजीत सिगरेट पीने का आदी हो गया और इन आदतों का असर उसकी पढ़ाई पर भी होने लगा। नशे की आदत के कारण मैं पढ़ाई की तरफ अपना ध्यान नहीं दे पाता था और इसी कारण मेरे ग्रेड में भी फर्क पड़ने लगा। जहां मैं फर्स्ट, सेकंड या थर्ड आता था, वहीं अब मैं बड़ी मुश्किल से पास हो पाता था और अब मेरे नंबर भी अच्छे नहीं आते थे। इसी समय के दौरान अजीत के अंकल ने 3 दिन के चर्च यूथ कैंप में उसका नाम लिखवा दिया। पहले दिन जब मैं वहां पहुंचा तो मुझे लगा कि ये मैं कहां आ गया हूं। मुझे कोई भी चीज अच्छी नहीं लगी। वहां हर एक चीज नियम के अनुसार होती थी और वहां भी मुझे नशा करने का मन करता था और कई बार मैं मीटिंग से ही उठकर बाहर चला जाता था नशा करने के लिए और फिर कहीं चोरी छिपे नशा करके मैं वापस कैंप में आ जाता था। अजीत किसी न किसी तरह कैंप अटेंड करता रहा और फिर दूसरे दिन कुछ ऐसा हुआ। मैं पीछे बैठा हुआ था और उस समय पास्टर जी प्रचार कर रहे थे। वे पहला कुरिन्थियों 6:19-20 में से प्रचार कर रहे थे। पास्टर जी कह रहे थे कि हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है और हमें उस मंदिर को नाश करने का कोई अधिकार नहीं है। पास्टर जी के इस प्रचार से मैं बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ। इस संदेश ने अजीत के मन को स्पर्श किया और जब वे इस आयत पर प्रचार कर रहे थे तो मेरे अंदर इस तरह से कुछ हुआ जिसने मुझे ये सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि मैं तो इसे नाश कर रहा हूँ, परमेश्वर मेरे दिल में रहता है और मैं इसको नाश कर रहा हूँ। मैंने परमेश्वर के मंदिर को नाश किया था। मेरा दिल बहुत दुखी हो गया और उस दिन मैं बहुत ज्यादा रोया और मैं ये सोचने लगा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। मैं परमेश्वर के आगे रोया कि परमेश्वर, मैं इसमें अपने जीवन को खत्म कर रहा था, मैं आपके मंदिर का नाश कर रहा था। उस दिन मेरे दिल में ये एहसास हुआ कि मैं ज्यादा समय परमेश्वर के साथ बिताऊंगा। मैंने अपने सारे पापों से क्षमा मांगी ताकि परमेश्वर मुझे माफ करे और मैं जिस तरह का भी हूँ वो मुझे ग्रहण करे और मुझे मेरे जीवन में पूरी तरह छुटकारा दिलाए। उस कैंप में अजीत मोंडल ने अपना दिल यीशु मसीह को दे दिया, लेकिन फिर भी अपनी नशे की आदतों को छोड़ना अजीत के लिए आसान नहीं था। एक दिन ऐसा आया जब मैं टूट गया। मैं अपनी नशे की आदत में वापस चला गया, लेकिन परमेश्वर ने मुझे उस वायदे पर खड़ा होने में सहायता की जो मैंने उससे किया था और मैं अपने दोस्तों को भी ये बता सका कि नहीं, अब मैंने उसको जान लिया है जिसने मुझसे कहा है कि ये गलत है, इसलिए मैं उस जीवन में वापस नहीं जाना चाहता और एक नया जीवन जीना चाहता हूँ जो सिर्फ मुझे परमेश्वर के बताए रास्ते पर चलकर ही मिलेगा। कई महीने बीत गए और अजीत का जीवन सही राह पर आ गया। वो लगातार चर्च जाने लगा और उसने बंगाली में अपनी बीए ऑनर्स पूरी की। परमेश्वर ने उसके लिए टीचिंग का रास्ता खोला जिसकी इच्छा वो काफी समय से करता था। परमेश्वर ने मुझे एक मौका दिया है और अब मैं एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में बतौर टीचर इंचार्ज काम कर रहा हूँ। मेरे परमेश्वर ने मुझे उस स्कूल को चलाने में मेरी मदद की है और मदद कर भी रहा है और मेरा परमेश्वर मुझे वहाँ इस्तेमाल कर रहा है। इस कहानी से हमने देखा कि कैसे अजीत मोंडल
परमेश्वर की मदद से आज टीचर ही नहीं पर प्रीचर भी बन गए हैं। समीर जी, हम देखते हैं इनकी कहानी से, जिससे हमें बहुत इंकरेजमेंट भी मिलती है कि हम कितने भी दूर क्यों ना चले जाएं परमेश्वर से, पर परमेश्वर हमारे साथ बहुत पेशेंट हैं और हमें वापस अपनी शरण में ले ही आते हैं। सच है, और हमारी भी एक जिम्मेदारी है। बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं, बहुत सारे टेम्पटेशंस हैं, बहुत सारे वॉइसेस हैं जो हम लगातार सुनते हैं। हमें निर्णय करना है कि कौन सी आवाज़ को हम सुनेंगे। परमेश्वर बात कर रहा है, परमेश्वर हमें बुला रहा है। हम परमेश्वर की आवाज़ को सुने और आगे बढ़ें तो हमारी ज़िंदगी बड़ी अच्छी हो जाएगी। परमेश्वर की आवाज़ को सुने और आगे बढ़ते जाएं। अगर आपने भी ऐसा कोई एक्सपीरियंस अपने जीवन में महसूस किया है तो आप अपनी गवाही हमारे साथ ज़रूर शेयर करें और हमारे प्रोग्राम पर आकर हमारे दर्शकों को और भी प्रेरित करें। परमेश्वर हमारी अगुवाई करता है। दोस्तों, कई बार जब हम शास्त्र पढ़ते हैं, शास्त्र में हम देखते हैं कि परमेश्वर हमसे बेहद प्यार करता है, वो हमारा देखभाल करता है। और एक बहुत ही पॉपुलर भजन है साम 23, जहां कहता है कि परमेश्वर मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। और पूरे भजन में हम ये देखते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ रहता है, हमारी देखभाल करता है, मुश्किल परिस्थिति में भी वो हमारे साथ है। एंड वी कैन सी गॉड इज अ लविंग गॉड। लेकिन उस भजन में कभी कभी हम भूल जाते हैं कि वहां पे लिखा है कि वो हमारी अगुवाई करता है, ही लीड्स मी इन टू ग्रीन पैस्चर्स। और उसी भजन में लिखा है ही गाइड्स माई पाथ, यानी कि वो मेरे रास्ते की भी अगुवाई करता है। चरवाहा है, चरवाहा हमसे बातें करता है और उसकी भेड़ चरवाहे की आवाज को सुनते हैं और उसके पीछे चलते हैं। तो अगर आप परमेश्वर में विश्वास करते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने हमें अपनी आत्मा दी है ताकि उसकी आत्मा के द्वारा वो हमारी अगुवाई करे। आइए इस वचन को हम देखें। यूहन्ना 16:13, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। इस वचन में यीशु मसीह कह रहे हैं कि परमेश्वर अपनी आत्मा को भेजा है ताकि वो हमारी अगुवाई करे। परमेश्वर दिशा देना चाहता है। गॉड वॉन्ट्स टू लीड यू, द क्वेश्चन इज वेदर यू वॉन्ट टू फॉलो हिम। आपसे मैं इस समय एक प्रश्न पूछता हूं। आपको मैं 3 ऑप्शन दूंगा, आप हमें बताइए कि इसका सही उत्तर क्या है। आप कैसे परमेश्वर की अगुवाई का अनुभव कर सकते हैं? हाउ कैन यू एक्सपीरियंस द लीडिंग ऑफ द लॉर्ड? पहला ऑप्शन, परमेश्वर की आवाज को सुनकर उस पर विश्वास करके। दूसरा, सिर्फ परमेश्वर की आवाज को सुनकर। तीसरा, परमेश्वर की आवाज को सुनकर विश्वास करके और उसके पीछे चलकर। आप मुझे बताइए हम कैसे अनुभव कर सकते हैं। अपना जवाब भेजने के लिए टाइप करें ए, बी या सी, स्पेस दें, अपना नाम लिखें और SMS करें 0991040100। सही जवाब देने वालों के नाम हमारी वेबसाइट www.cbn.in पे दिखाई जाएंगे। तो जल्दी अपना जवाब आज ही भेजिए। अगर आप समीर जी द्वारा पूछे गए इस सवाल का जवाब जानते हैं तो देर न करें, इसी समय अपना जवाब हमें SMS करें। अब समय है एक ब्रेक का, आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको CBN फाउंडेशन के सामूहिक विकास कार्यों के बारे में और जानकारी देंगे। इस बिजी लाइफ में हमारे और आपके लिए कितना मुश्किल हो जाता है अपने लिए वक्त निकालना। कभी कभी इस दौरान हम अपने फेवरेट टीवी शो को भी मिस कर देते हैं। अगर आपने अपने फेवरेट टीवी शो एक नई जिंदगी को कभी मिस कर दिया हो तो आप उसे देख सकते हैं। CBN फाउंडेशन के YouTube चैनल पर जाइए, उसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने वक्त पर अपने फेवरेट शो का मजा लीजिए। ब्रेक के बाद एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम आपका स्वागत करते हैं। CBN फाउंडेशन देश भर में जरूरतमंद लोगों की मदद कर रहा है ताकि उनका जीवन और बेहतर हो सके। अपने सामूहिक विकास कार्यों के द्वारा CBN फाउंडेशन बच्चों की पढ़ाई लिखाई में मदद कर रहा है, महिलाओं को वोकेशनल ट्रेनिंग दे रहा है, बड़ों को उनके अधिकारों के बारे में बता रहा है और सरकारी कार्ड्स उन्हें दिलवा रहा है।
आइए देखते हैं हमारे इन्हीं सब कार्यों की एक झलक। एक इंसान की बुनियादी जरूरतें क्या हो सकती हैं? सिर्फ रोटी, कपड़ा, मकान या रोजगार या आमदनी या फिर स्वास्थ्य, सेहत और मानसिक स्थिरता। और ऐसी ही जरूरतें बन जाती हैं समाज का हिस्सा। सीबीन फाउंडेशन ने अपने सामुदायिक विकास परियोजना के तहत ऐसे ही जरूरतमंद समुदायों के बीच में काम करने का फैसला किया है। हमारी इस परियोजना के तहत हर समुदाय में एक बाल विकास केंद्र है, जहां ऐसे बच्चे जो कभी स्कूल नहीं जा सके हैं या स्कूल ड्रॉप आउट हैं, उन्हें शिक्षा का मौका दिया जाता है और उनका ख्याल रखा जाता है। स्वयं सहायता समूह यानी SHG भी बनाया गया है, जहां महिलाओं के इन समूह को आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। प्रौढ़ शिक्षा, महिलाओं को पढ़ना लिखना सिखाया जा रहा है। स्वच्छता, लोगों में स्वच्छता की कमी को ध्यान में रखकर वहां शौचालय का निर्माण किया जा रहा है। सीबीएन फाउंडेशन ने इनके संपूर्ण विकास के लिए कदम बढ़ा लिया है और हमें आपके सहयोग की भी सख्त जरूरत है, ताकि हम और आप मिलकर इन्हें बेहतर भविष्य दे सके। हम आशा करते हैं कि सीबीएन फाउंडेशन के इन कार्यों को देखकर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। समीर जी, हम देखते हैं कि एनी कम्युनिटी नीड्स कंप्लीट ग्रोथ, है ना? तो और सीबीएन फाउंडेशन के इन कामों से हर कम्युनिटी को हर तरह से आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। बिल्कुल, कम्युनिटी को डेवलप करने के लिए सिर्फ इंटेंशन की जरूरत नहीं। कई लोग से मैं मिलता हूँ जो कहते हैं ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। कई लोग कुड़कुड़ाते हैं, कुछ लोग अच्छी सलाह भी देते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि हम कुछ करें। एक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि सीबीएन फाउंडेशन के लोग कुछ कर रहे हैं। करने से प्रभाव आता है। हमारे इन कार्यों को देखकर आप हमें अप्रिशिएट करते हैं, इंकरेज करते हैं। थैंक यू सो मच। अब समय है कि हम आपके द्वारा भेजे गए कुछ मैसेजेस पढ़ें। आइए देखते हैं आज का पहला मैसेज हमें किसने भेजा है। ये हमें भेज रही है राधिका। राधिका कहती हैं, मुझे एक नई जिंदगी प्रोग्राम देखना बहुत अच्छा लगता है, मैं इसे कभी भी मिस नहीं करती। इस प्रोग्राम के द्वारा जो आप वचन दिखाते हैं और गवाहियाँ दिखाते हैं, वो देखकर मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है। जो आप भलाई के काम करते हैं, ये बहुत ही सराहनीय है। गॉड ब्लेस यू। बहुत बहुत धन्यवाद उस इनकरेजमेंट के लिए। दूसरा मैसेज आया है शेखर का, और शेखर लिखते हैं कि एक नई जिंदगी कार्यक्रम उन्हें बड़ा अच्छा लगता है, खासकर जो गाना हमारे कार्यक्रम में दिखाया जाता है वो सुनकर उन्हें बहुत सुकून लगता है, अच्छा लगता है। और जो वचन हम बांटते हैं, जो गवाहियां देते हैं और कहानियां हम बताते हैं, वो सब देखकर उनकी जिंदगी पे बहुत प्रभाव आता है और वो उन्हें लगता है कि वो बहुत बढ़ रहे हैं इस कार्यक्रम को देखकर। शेखर, थैंक यू फॉर योर एनकरेजमेंट। आप सब जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, हमें बड़ा अच्छा लगता है कि आप लगातार इस कार्यक्रम को देखकर परमेश्वर में बढ़ रहे हैं। आपकी इंकरेजमेंट हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आप हमारे इन पार्टनर्स की करुणा भरी कहानियों को पढ़ना चाहते हैं या सीबीएन फाउंडेशन के कार्यों के बारे में और कुछ जानना चाहते हैं, तो आप पढ़ सकते हैं हमारा न्यूज़लेटर। इसे पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.cbn.in पर जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी हार्ड कॉपी पाने के लिए आप हमें एक फ़ोन कॉल भी कर सकते हैं। ये इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। और ये सब हम क्यों कर पाते हैं? आपकी मदद से, आपके योगदान से। आप में से कई दर्शक ऐसे भी हैं जो अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं। अगर आज आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, हमारे पार्टनर बनना चाहते हैं, तो आप देर न करें, इसी समय हमें इस पते पर संपर्क करें। सीबीएन फाउंडेशन, पीच ट्री कॉम्प्लेक्स, तीसरी मंजिल, ब्लॉक सी, सुशांत लोक 1, गुरुग्राम, दिल्ली NCR, 122-0099। ऑनलाइन डोनेशन www.cbn.in। अब समय एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाएगा, क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपके प्रार्थना निवेदन को पढ़ेंगे और आपके लिए प्रार्थना भी करेंगे। ये वचन है सदा सारे जहां के लिए, कहानी है हमेशा जो सच। सुपर बुक होसैना गाओ होसैना, ये वचन है सुपर बुक होसैना गाओ होसैना, ये वचन है सुपर बुक।
साधना को मौका दो। ब्रेक के बाद एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम आपका स्वागत करते हैं। अब समय है कि हम आपके लिए प्रार्थना करें, तो आइए पढ़ते हैं आपके द्वारा भेजे गए कुछ मैसेजेस। आज का पहला मैसेज हमें भेजा है मनीष ने। मनीष कहते हैं कि वो 19 साल के हैं, वो अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं लेकिन उनकी राह में बहुत रुकावटें हैं, वो कहीं पहुंच ही नहीं पाते। वो चाहते हैं कि हम उनके लिए प्रार्थना करें। हम मनीष के लिए ज़रूर प्रार्थना करेंगे। देखते हैं दूसरा मैसेज कहां से आया है। दूसरा मैसेज आया है आलोक का, और आलोक कहते हैं कि वो काफ़ी एग्ज़ाम्स दिए हैं, गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स दिए हैं लेकिन कामयाब नहीं हुए और वो अपने फ्यूचर को लेकर बहुत चिंतित हैं और वो चाहते हैं कि हम उनके लिए प्रार्थना करें। आलोक, हम आपके लिए भी इस समय प्रार्थना करेंगे। अगर आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और आप भी अपनी ज़िंदगी में अभी कन्फ्यूज्ड हैं, चौराहे पे हैं, यू आर द क्रॉस रोड्स ऑफ योर लाइफ, और आप सोच रहे हैं कौन सा दिशा मैं अपनाऊं, तो मैं आपके लिए भी प्रार्थना करूंगा। आइए यीशु मसीह के पास आएं। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि तू एक अच्छा चरवाहा है और तू हम सबकी देखभाल करता है। तू हमें हरी चराइयों में ले जाता है। यू लीड अस लॉर्ड। तो इस समय मैं मांगता हूं प्रभु, मनीष के लिए और आलोक के लिए, मैं मांगता हूं कि ये दोनों जानेंगे कि तू उनका अच्छा चरवाहा है। इन्हें तू अपने करीब ले प्रभु, और ये तेरी ओर से दिशा पाएं। इनके लिए तू दरवाज़ा खोलेगा प्रभु, जो इनकी ज़िंदगी के लिए सबसे उत्तम होगा। हम मांगते हैं तू इन्हें आशीष देगा। ये चिंतित नहीं होंगे बल्कि अपना भरोसा तुझ पे रखेंगे। यीशु मसीह, हम मांगते हैं उन सब के लिए जो इस समय कन्फ्यूज्ड हैं कि आगे क्या करें, भविष्य को लेकर चिंतित हैं। हम मांगते हैं कि तू इन्हें दिशा देगा। हम मांगते हैं कि इनका विश्वास तू बढ़ाएगा, कि हर एक रुकावट को वो नेगेटिवली ना देखें प्रभु, लेकिन वो देखें कि तू क्या कर रहा है उनकी ज़िंदगी में। और हमेशा तू भलाई को ही उत्पन्न करता है, इसलिए हम मांगते हैं कि ये तेरे पास आएंगे और तेरी इच्छा को जानेंगे। यीशु, तेरे नाम से हम मांगते हैं, यू ब्लेस देम रिचली इन जीसस नेम, आमेन। यीशु मसीह में विश्वास कीजिए, वो बहुत भला है, वो आपकी भलाई ही चाहता है। यीशु मसीह भला है और हमारे जीवन की हर परिस्थिति से वो भलाई ही उत्पन्न करता है। आइए देखते हैं आज बाइबल का वचन हमें क्या बता रहा है। अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। देखो, मैं एक नई बात करता हूँ, वो अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। परमेश्वर का वचन हमें इनकरेज करता है कि हम उसकी राह पर चलें और उसके मार्ग पर चलें। प्रार्थना के विषय में परमेश्वर का वचन हमें एक इनकरेजमेंट देता है कि जब तुम चिंतित हो, अपने प्रार्थना निवेदन धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने प्रस्तुत करो। प्रेजेंट योर रिक्वेस्ट टू गॉड विद थैंक्स गिविंग। और फिर कहता है, द पीस ऑफ गॉड दैट सरपासेस ऑल अंडरस्टैंडिंग विल बी विथ यू। कह रहा है कि चाहे तुम्हें वो वस्तु मिले या ना मिले, सबसे महत्वपूर्ण चीज जो परमेश्वर हमें देता है जब हम प्रार्थना करते हैं, वो है शांति। इसलिए प्रार्थना जरूर कीजिए, धन्यवाद दीजिए, अपने रिक्वेस्ट को परमेश्वर के सामने रखिए, वो सब कुछ जानता है। परमेश्वर सब कुछ जानता है, वो हमारे दिल की गहराइयों को भी जानता है। आज के प्रोग्राम में हमने देखा कि किस तरह जोशुआ लाल की परमेश्वर ने मदद की, उसे सही राह को दिखाया। हमने देखा किस तरह अजीत मोंडोल, जो टीचर बनना चाहते थे पर अपनी राह से भटक गए थे, परमेश्वर की मदद से वो सिर्फ टीचर ही नहीं पर एक प्रीचर भी बने। हमने देखा किस तरह सीबीएन फाउंडेशन अपने सामूहिक विकास कार्यों से लोगों की मदद कर रहा है, उनके जीवन को और बेहतर बना रहा है। हम आशा करते हैं कि हमारे इस प्रोग्राम से आपको बहुत प्रेरणा मिली और आपको ये बहुत पसंद भी आया। दोस्तों, कल शुक्रवार है और शुक्रवार के दिन हम आपके आत्मिक और जीवन से संबंधित प्रश्नों के जवाब देते हैं, तो कल का कार्यक्रम आप जरूर देखिएगा। और कल एक विशेष टॉपिक को लेकर हम आपके लिए प्रार्थना भी करेंगे। नाउ इट्स टाइम टू से गुडबाय। कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे इसी प्रोग्राम में जिसका नाम है एक नई जिंदगी। और जाते जाते हम चाहेंगे कि आप इस मधुर संगीत को सुने, इसका आनंद लें, इसके द्वारा भी परमेश्वर के करीब आए। नमस्कार। नमस्कार। यीशु तू है पवित्र, पवित्र तेरा नाम, महिमा और स्तुति हम करेंगे हर बार। हाले हाले लुया हाले।
हम करेंगे हर बार।